आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ हूं मैं जयंती मिश्रा। राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद माना जाता है। पर्यटन सीजन में तो यहां पर्यटकों का सैलाब नजर हमेशा आता है। मरुधरा पर्यटकों को कितनी पसंद है इसका अंदाजा पर्यटकों की भीड़ को देखकर लगाया जा सकता है। गुलाबी नगरी, सूर्य नगरी, ब्लू सिटी या फिर बीकाना, राजस्थान का कोई भी हिस्सा आप देख लीजिए, हर और पावनी ही पावनी दिखाई दे रही है। जयपुर के आमेर, जंतर मंतर, हवा महल, जल महल पर तो देश विदेश के पर्यटकों का भारी हुजूम उमड़ रहा है। अल्बर्ट हॉल, सिटी पैलेस, नाहरगढ़ से लेकर भी पर्यटकों में भारी क्रेज है और यही वजह है कि पर्यटन निगम की होटल्स में 31 दिसंबर तक डिस्काउंट बंद हो चुका है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तादाद में पर्यटक मरुधरा पहुंच रहे हैं। आज बात इसी विशेष मुद्दे पर। तो देखिए, विश्व राजस्थान के लिहाज से बेहद खास है। टूरिज्म का समय है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारी सहयोगी मौजूद है। तृप्ति गौतम मेरी सहयोगी जयपुर जीटी से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। तो शिवांगी हवा महल से जो कि परकोटे में है और जयपुर का दिल कहा जाता है, वहां से लाइव है। तो सहयोगी राजीव हमारे साथ जोधपुर से लाइव जुड़े हुए हैं और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि राजीव हमारे साथ लगातार जोधपुर से तस्वीरें अब इसके बात साझा करेंगे। राजीव, शुरुआत हो चुकी है 25 तारीख से लेकर 31 तारीख, वैसे भी हर ट्रेवल ट्रेड के लिए एक तरीके की उम्मीद भरा मौसम होता है, लेकिन पावनों की इस बार बाहर राजस्थान में खासतौर पर अगर बात की जाए तो चलिए एक बार तृप्ति का रुख करते हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। तृप्ति, आप बताइए क्योंकि जीटी के बाहर आप मौजूद हैं, कल आपने तस्वीरें दिखाई थी और जीटी में तो कंपटीशन होता है सबसे बड़े क्रिसमस ट्री का, लोग लगातार पहुंच रहे हैं, कितने लोग पहुंच रहे हैं इस समय वहां पर और किस तरह की रौनक वहां से? बिल्कुल चाहते, आपने सही कहा कि गोल्डन पीरियड तो चल ही रहा है, उसी के साथ पे आज है क्रिसमस और क्रिसमस पर जीटी में लोग ना हो ये तो कह ही नहीं सकते। कोई भी त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस हो या कोई और त्यौहार हो, छोटी काशी में सबसे ज़्यादा जो आंकड़ा रहता है लोगों का या तो वो जीटी के साइड रहता है या परकोटे में रहता है। जीटी को मैं अगर डिस्क्राइब करना चाहूँ तो ये कह सकते हैं कि जयपुर का शॉपिंग हम इस एरिया को कह सकते हैं। मालवीय नगर का जो एरिया है, WTP हो, जीटी बाजार हो, ये इस जगह पर सबसे ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं और इस टाइम पर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर एक क्रिसमस ट्री बना हुआ है। और हमने ये कल भी बात करी थी और आज भी हम सुबह से इस चीज़ को लेकर बात कर रहे थे कि जयपुर में एक अलग तरीके की प्रतियोगिता की जाती है कि जितने भी मॉल्स हैं या ऐसी जगह हैं वहाँ पर क्रिसमस ट्री को लेकर एक कॉम्पिटिशन होता है कि कितना सुंदर क्रिसमस ट्री किस जगह पर बना है। तो जीटी के आप क्रिसमस ट्री को आप देख सकती है, बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं जयपुर का सबसे लंबा क्रिसमस ट्री जो है वो इस टाइम पे जीटी में बना हुआ। और यहाँ पर लोगों की मैं बात करूँ तो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो लगातार सुबह से जारी है और इस टाइम पे जब विंटर का सीजन है और उस टाइम पे ये वाला जो समय है 5 से 6 बजे वाला, सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों की आवक जो है वो देखी जाएगी। शॉपिंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रेजी है तो उसको लेकर भी आ रहे हैं। और कुछ समय पहले तक एक प्रचलन हुआ करता था कि जीटी पर एक परेड निकलती थी क्रिसमस डे के दिन, तो वो अभी कोविड के बाद से बंद है, लेकिन उस टाइम पे भी इसी तरीके की जो लोगों की आवक थी वो थी और अभी भी लोग उस परेड की वजह से भी यहाँ पर आते हैं। लगता है कि शायद वो परेड इस बार भी निकलेगी तो उसको देखने के लिए यहाँ पर लोग जमा होते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कैसा कुछ यहाँ का माहौल है। क्या आज सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस, और कैसा लग रहा है इस बार का क्रिसमस? बहुत अच्छा लग रहा है। जीटी क्यों आई है, शॉपिंग या फिर यहाँ की जो लाइटनिंग है वो सारी चीज़ें देखने? रौनक देखने के लिए आई हूँ। रौनक देखने के लिए आप यहाँ पर आई, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मैरी क्रिसमस, कैसा लग रहा है इस बार जीटी आके? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया कुछ अलग महसूस हो रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छा, जयपुर की और कई जगहों पर घूमी आप या सिर्फ जीटी आई आज? नहीं, आज से फिलहाल हम यहीं पे आए थे। क्रिसमस को लेकर क्या कुछ खास? कुछ जयपुर सब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे मॉल्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट। वीक भी तो काफ़ी खूबसूरत है ना, क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक, न्यू ईयर तक काफ़ी रौनक रहती है और काफ़ी भीड़ रहती है सब मॉलों में देखा जाए तो।
देखिए यहाँ पर जो लोग आए हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो तस्वीरें तो अब और ज्यादा खूबसूरत होंगी जैसे जैसे दिन ढलेगा और शाम में रोशनी होगी, और रोशनी से पूरा जीटी जिसका क्रिसमस ट्री इतना खूबसूरत सजाया जाता है वो तस्वीरें फिर से देखेंगे। एक बार शिवांगी का रुख करते हैं हवा महल जयपुर के परकोटे से, जो जयपुर का दिल कहा जाता है, वहां से हमारे साथ लाइव बनी हुई शिवांगी, आप बताइए क्योंकि हवा महल के बाहर अमूमन हम रोजाना ही पर्यटकों की, टूरिस्ट की इतनी ज्यादा आवक देखते हैं, लेकिन मौका जब छुट्टियों का हो और खासतौर पर क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक का हो तो और ज्यादा रौनक बढ़ेगी ऐसा मानकर चल रहे हैं, आप बताइए किस तरह की तस्वीरें वहां से इस समय। जी जयती, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही काफ़ी सारे पर्यटक जो हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने कहा था कि ये जयपुर का दिल है, जो हवा महल है उसको निहारते नज़र आ रहे हैं और हवा महल की खूबसूरती देखते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से जो है पर्यटकों का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और किस तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पे लग के लाइन में लग के टिकट लेके हवा महल देख रहे हैं। और जैसा कि हम जानते हैं आज क्रिसमस भी, और आने वाले दिनों में और 3 दिन जो है छुट्टियाँ आ रही हैं और न्यू ईयर भी आ रहा है, नया साल शुरू होने वाला है, तो पर्यटकों में काफ़ी जो है जोश दिखाई दे रहा है और काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। हमारे बिल्कुल बातचीत कर और हम उनसे पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद गुजरात से आए। गुजरात से आप जयपुर में आए तो अभी 3 दिन की छुट्टियों में। एक बार राजीव का रुख कर लेते हैं, जोधपुर से हमारे साथ बने हुए राजीव। जोधपुर की बात की जाए और जोधपुर की छुट्टियों की, जोधपुर के खाने पीने के लिए लोग कभी भी पहुंचते हैं, लेकिन ये मौका बेहद खास है और ट्रेवल ट्रेड्स को इस मौके को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। आप बताइए कितनी उम्मीदें पूरी होती नजर आ रही है इस बार इस गोल्डन पीरियड से राजीव? देखिए सबसे बड़ी बात है कि क्रिसमस का मौका हो, सर्दी की छुट्टियां हो, पर्यटन सीजन हो और सूर्यनगरी जोधपुर के अंदर पर्यटकों की आवक रहती है। इस वक्त मैं तुरजी का जालरा जो कि पौराणिक बावड़ी है उसको देखने के लिए, अब देखिए कितने पर्यटकों का जो है अब जमावड़ा देख पा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्रों से पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, विश्व के कई अलग अलग कोनों से आए हैं, हिंदुस्तानी भी काफ़ी पर्यटक हैं। आप देखिए कि सोहेब भवानी सिंह तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये एक पौराणिक बावड़ी है जिसको देखने के लिए पर्यटक चारों तरफ पर्यटकों से लबरेज जो है ये बावड़ी और आसपास का इलाका है। और सबसे बड़ी बात है कि जब साल को बाय बाय कहना है, हंसी खुशी कहना है, अच्छे से घूमना, देखिए कि ये पर्यटक दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पहुँचे हैं और एंजॉय जिस तरीके से कर रहे हैं समझा जा सकता है। और चूँकि हमारे साथ में कुछ इटली से आए हुए पर्यटक में से मुझे बात कर लें, व्हाट्स योर फीलिंग राइट इन जोधपुर? We are loving it and we just arrived and with the help of our guide we're enjoying beautiful architecture different from other cities so it's unique. We are really really enjoying and people are very welcoming. So what's your feeling about the Jodhpur? Very nice. I like the people and our guide is very good. He speaks Italian because we are from Italy and we enjoy with him. Yeah, enjoy Jodhpur foods and all. Yeah, it's a very nice place and with our guide we are enjoying all the city and we are spending nice time. हमारे साथ एक गाइड भी है, आप अनुभवी हैं, इस वक्त सीजन कैसा है? नमस्कार, मेरा ओम प्रकाश सविता है, आई एम बेसिकली फ्रॉम जयपुर से, लेकिन मैं पिछले 23 साल से जोधपुर में काम कर रहा हूँ इटालियन स्पेनिश। मैं देख रहा हूँ कोविड के बाद जिस तरह से भीड़ पड़ रही है यहाँ पे, पर्यटकों के बारे में ये कह सकता हूँ कि पर्यटक बड़े खुश होकर के जोधपुर का एंजॉय कर रहे हैं, जयपुर का कर रहे हैं, मेरे को जिस तरह कर रहा हूँ मैं स्कॉटिंग करता हूँ। और मैंने ये पाया कि इटालियन स्पेनिश जो मेरे क्लाइंट थे ये मोस्टली आप देखिएगा कितने खुश हुए हैं यहाँ करके, इनको एक तुर्जी का झालरा एक यहाँ पे बना हुआ है जो, और यही चीज़ हम देखते हैं आबानेरी जाते हैं हम तो वहाँ पे भी कराते हुए हम निकलते हैं, तो एक ये बड़ा अच्छा हाईलाइट हो रखा है हमने देखा है। जिस तरीके से यहाँ जो पर्यटकों का जो सीज़न है उसमें आप देखिए कि खूबसूरती ये है, यहाँ स्थानीय पर्यटक भी हैं और स्थानीय पर्यटक के साथ साथ विदेशी पर्यटक जो हैं वो भी पूरा पूरा आनंद दे रहे हैं, छुट्टियों का आनंद दे रहे हैं। और पर्यटन सीजन जब होती है तो देखिए यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ के जो खाने को ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट्स जो हैं उसका भी जो जिस तरीके से यहाँ पर्यटक पूरा। बिल्कुल राजीव, बहुत खूबसूरत तस्वीरें और उम्मीद से भरी हुई ये तस्वीरें हैं। एक बार कोटा का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी भंवर भी हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, कोटा के लिए शिक्षा नगरी और पर्यटन नगरी, इन दोनों के बीच का जो फासला था पिछले कुछ सालों में कम हुआ है, और गलत अगर मैं कह रही हूँ तो मैं उसको ठीक कीजिएगा, कि अब ये जो पहला मौका है जब वहां पर रिवर फ्रंट है, इतनी खूबसूरत और भी जगह है, कोटा के दर्शनीय स्थलों पर पर्यटकों की फिलहाल भीड़ नजर आना शुरू हो गया होगा मेरे ख्याल से। आप कहाँ इस वक्त मौजूद है और कितना उत्साह है इस गोल्डन पीरियड को लेकर कोटा वासियों में? जी
देखिए पहली बात हुई कि आपने बहुत ही दुरुस्त कहा है, शिक्षा नगरी कोटा पर्यटन नगरी बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और पिछले कम से कम 2-3 दशक में पहली बार शायद कोटा इस तरह की तस्वीरें देख रहा है जब कोटा में इस तरह का टूरिज्म बूम देखने को मिल रहा है। और इसकी वजह है कोटा में हाल में हुए पर्यटन विकास के वो काम, जिससे कई नायाब चीजें यहाँ पर बनी है। रिवर फ्रंट यहाँ पर बनाया, ऑक्सीजोन यहाँ पर बना है और देखिए ऑक्सीजोन के बाहर आपको ये चहल पहल, ये रौनक और ये तस्वीरें खुद ही बयां करेगी कि कोटा कितना कुछ बदल रहा है। ये टूरिस्ट हालांकि अभी भी विदेशी सैलानी कोटा में नहीं आ पाए हैं, जोधपुर जयपुर जैसलमेर उदयपुर की तस्वीरें साथ ही दिखा रहे हैं, लेकिन देसी सैलानियों से इस वक्त कोटा जो है वो जगमग है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन पहले दीपक जी मेरे साथ हैं, इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। तो दीपक जी, कहा जा सकता है कि शिक्षा नगरी और पर्यटन नगरी का फासला अब कम हो रहा है? काफी कम होता जा रहा है, शिक्षा नगरी के साथ साथ अब पर्यटन नगरी के रूप में परिवर्तित होता जा रहा है कोटा। जो वर्तमान के अंदर पिछले एक साल के अंदर जो रिवर फ्रंट ले लें या आप ऑक्सीजन पार्क लें या अन्य कोई चीजें लें, इसको लेके बहुत ज्यादा जो है टूरिस्टों में उत्साह है और बाहर के आसपास के रीजनल झालावाड़ भीलवाड़ा यहाँ तक के टूरिस्ट बसों से या अपने अन्य साधनों से कोटा के अंदर आ रहे हैं। आप टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, क्या इस तरह की तस्वीरें मैं कह सकता हूँ कि 2-3 दशक में पहली बार देखने को मिल रही है कोटा में? इतना मिली जहाँ पे हजारों लोग एक ही कैंपस के अंदर एक ही जगह के ऊपर जो है एंजॉय कर रहे हैं और टूरिज्म का एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए टूरिस्ट उद्यम भी कोटा में पैदा हो रहा है, टूरिस्ट उद्यम थे जिनसे मैंने आपकी बात कराई, दीपक राजवंशी। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये खूबसूरत ऑक्सीजन और देखिए विहंगम दृश्य यहाँ का, किस तरह से आप देखिए इस झरने से पानी नीचे झरता हुआ आ रहा है, पिकॉक के यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, देखिए नीचे किस तरह से क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है ये भी आप देखिएगा। और यहाँ लगातार सेल्फी पॉइंट्स पर जो है टूरिस्ट वो पहुँच रहे हैं। इसके अलावा साथी कैमरामैन आकाशदीप आपको आर्ट हिल दिखाएंगे, देखिए पूरी की पूरी ये घास की पहाड़ी बनाई हुई है, ये कृत्रिम पहाड़ी, हालांकि वहाँ आप देखिए किस तरह से कार्ट में बैठ करके सैलानी सफर कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ सैलानियों की रेलम पेल और उनके चेहरे की चमक बता रही है कि कोटा में अब टूरिज्म एक इंडस्ट्री बनता जा रहा है और जिसका टोटा लगातार कोटा में महसूस किया जा रहा था कि कोटा में सब कुछ है लेकिन टूरिज्म नहीं है, लगता है उसका भी अब फासला तय हो रहा है। कुछ यहाँ जो टूरिस्ट पहुंचे हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा। माता जी, कोटा घूम रहे हैं, क्या क्या देख लिया? कुछ नहीं, वो देखा है तो क्या देखा दारी, रिवर फ्रंट, चंबल गार्डन। कहाँ से आए आप? दादाबाड़ी से। दादाबाड़ी से चलिए, देसी सैलानी है, आप देखिए तस्वीरें यहाँ पर लगातार ये सैलानी ले रहे हैं, उनसे आपकी बात कराऊंगा। कैसा लग रहा है कोटा, क्या क्या देख लिया? हम तो आई कोटा के हैं, फर्स्ट टाइम आई हूँ, अच्छा है, काफी अच्छे व्यूज है, आगे जाके देखते कैसे कैसे है कोटा। तो बिल्कुल भवन, ये खुशी साफ तौर पर ये बयां कर रही है कि वो दिन दूर नहीं जब जयपुर जोधपुर जैसलमेर की तरह कोटा भी उस फेहरिस्त में होगा जब अपनी छुट्टियों के दौरान लोग रुक करेंगे। एक बार जयपुर का रुख करते हैं, शिवांगी के साथ फिर से मुखातिब होते हैं। शिवांगी, आप जानकारी दे रही थी उस समय कुछ ग्लिच हुआ था, लेकिन अब बताइए एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए कि कितना उत्साह है, क्योंकि जयपुर के कई पर्यटन स्थल हैं जो कि इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं जहां इस वक्त आप मौजूद हैं, ट्रैफिक भी होगा, लोग उतरकर अभी सेल्फीज क्लिक करा रहे होंगे, बहुत सारा उत्साह, बहुत सारी चीजों से निकलकर यहां से होकर फिर दूसरे मॉन्यूमेंट्स पर फोर्ट्स पर जाते हैं आगे लोग। जी जयती, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि इस समय बहुत ज़्यादा जो है भीड़ दिखती नज़र आ रही है और लोग जो है काफ़ी आनंद उठाते दिख रहे हैं हवा महल का। हमारे साथ यहाँ कुछ पर्यटक जो है विदेश से मौजूद हैं, हम उनसे ही बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वी वुड लाइक टू नो हाउ आर यू फाइंडिंग जयपुर? जयपुर इज ब्यूटिफुल, आई विल डेफिनेटली कम बैक, आई लव द होल ऑफ इंडिया। And first time for me here. Very what good. All places have you visited here in Jaipur? Uttar Pradesh, Delhi, Agra, Udaipur, Jaipur. Tomorrow we're going to Varanasi and then Kerala. How are you finding the collection here in Jaipur? Very, very good. Yeah, very, we are in love with India. We love India very much and we love the people very much. What would you like to say? Yeah. And the food. Thank you so much. जैसा कि हम देख सकते हैं, नमस्ते, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो विदेशी लोग हैं वो भी काफ़ी खुश प्रसन्न होके जा रहे हैं जयपुर से और यहाँ के हवा महल को देख के, और आगे और भी इंडिया में और जगह है उनको देख के, लेकिन इस समय जो है और भी बहुत से लोग हैं जो जयपुर में हवा महल का जो है आनंद उठाते दिख रहे हैं, भीड़ काफ़ी उमड़ रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 3 दिन छुट्टियां हैं तो लोग काफ़ी जो है दुकानों में शॉपिंग करते भी नज़र आ रहे हैं, तो इससे जो है शिवांगी और छुट्टियाँ अभी थ्रू आउट ये चलती रहेंगी, जो सीज़न है वो चलता रहेगा। उदयपुर का रुख करते हैं, हमारे साथ सहयोगी रवि भी उदयपुर से जुड़ चुके हैं, उदयपुर भी फेहरिस्त में होता है जब जब बाहर से लोग पहुंचते हैं। रवि, आप बताइए, लेक सिटी उदयपुर की तस्वीरें तो वैसे ही अपने आप में इतनी खूबसूरत होती है साल की 12 महीने, लेकिन ये महीना सबसे ज्यादा खास क्योंकि पुराना सब पीछे छोड़कर नए के वेलकम की तैयारी है, क्या इस बार है उदयपुर में लेक सिटी में पावणों के लिए इस बार नया?
बिल्कुल, देखिए जयती, लेक सिटी उदयपुर की जो नैसर्गिक खूबसूरती है, जो यहाँ की आबो हवा है, वो हमेशा से सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रही है, चाहे देशी सैलानी हो या फिर सात समंदर पार से आने वाले सैलानी। और अभी जो है, चूंकि सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, आज क्रिसमस का भी दिन है, तो ऐसे में आप देखिए लेक सिटी उदयपुर का ये जो सहेलियों की बाड़ी है, ऐतिहासिक जगह है। आज से करीब 150-200 साल पहले इस जगह का निर्माण किया गया था, खासकर महिला सशक्तिकरण के लिए। और ये जो जगह है, हर सैलानी यहाँ जरूर पहुँचता है, यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पसंद करता है। और आप देखिए बड़ी संख्या में आपको चारों तरफ जो है इस पूरी सहेलियों की बाड़ी में सैलानी नजर आ रहे हैं, जो फव्वारे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो फव्वारे जो चल रहे हैं, ये ग्रेविटी से, यानी कि फतेह सागर की ग्रेविटी से चलते हैं। इतना पुराना, सैकड़ों साल पुराना जो नेचुरल सिस्टम है, जो इंजीनियरिंग का कमाल है, वो यहाँ पर देखने के लिए होता है सैलानियों को। और आप देखिए लगातार सुबह से शहर के तमाम जो पर्यटन स्थल हैं, जो भी पिकनिक स्पॉट हैं, वो यहाँ पर लदरक है। एक मेरे साथ में सज्जन है, उनसे बात करते हैं। भाई साहब कहाँ से आए और क्या क्या घुमा है आपने उदयपुर में अभी तक? हम लोग तो जस्ट मुंबई से आए हूँ, कुछ काम के लिए आए, तो बीच में टाइम था तो हम लोग घूमना भी हो गया। कुछ और जगह भी देखी या सहेलियों की बाड़ी के अलावा? बस सहेली के बाड़ी। एक मैडम मेरे साथ में, मैडम कहाँ से आए हैं आप? गुड इवनिंग। चेन्नई। अच्छा, चेन्नई से आए, तो अभी आज आए हैं या फिर एक दो दिन हो गए? कुछ देखा है उदयपुर? दो दिन पहले। क्या क्या घूम लिया उदयपुर में आप? उदयपुर में फोर्ट देखा, जो सिटी पैलेस देखा, जोधपुर में फोर्ट देखा और लेक्स देखा, इधर उदयपुर में लेक्स देखा और ये प्रिंस सिटी पैलेस सब। देखिए जयती, हर जो आमो खास है, साफ सफाई पसंद करते हैं सैलानी, यहाँ की नैसर्गिक खूबसूरती जो है उसको पसंद करते हैं। और चेन्नई से ये जो सैलानी आए हैं, इसके अलावा गुजरात से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश और आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, वहाँ से सैलानी यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए जब साल का ये जो अंतिम सप्ताह कह सकते हैं, 31st के वेलकम के लिए बड़ी संख्या में सैलानी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये आने वाले जो दिन हैं टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़े खास हैं, उत्साहवर्धक हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जब सैलानी यहाँ आ रहे हैं तो इस सेक्टर से जुड़ा हर बंदा बड़ा खुश है, चाहे होटल सेक्टर हो, रेस्टोरेंट का सेक्टर हो, या फिर सिटी भ्रमण जो कराते हैं, गाइड्स हो, ऐसे तमाम लोग कह रहे हैं, क्योंकि उत्साह और उम्मीदों से भरा हुआ ये पूरा सीजन है। आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। राजीव भी हमारे साथ बने हुए, राजीव का रुख कर लेते। राजीव, जोधपुर हमेशा से फेहरिस्त में रहा है, लोग पहुंचते हैं अगर दूसरे राज्यों से, देश के बाहर से, तो फिर वो देखते हैं चेकलिस्ट में जयपुर है, जयपुर की अवेलेबिलिटी है, जोधपुर है, जैसलमेर है, बहुत सी ऐसी जगह है जो कि चुनिंदा जगहों में गिनती में रहता है। जोधपुर की अगर बात करें तो कोविड के 2 साल निकाले, उसके बाद में अब फिर धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आई, लेकिन एक बार फिर से कोरोना की क्योंकि हल्की सी आहट हुई है, तो जो जगह है, क्या असर नजर आ रहा है कोविड के इस नए वेरियंट का, या फिर इस बार उत्साह प्रिकॉशन के साथ साथ जो लोगों का पहुंचना है वो जारी है, वो प्रिकॉशन भी रख रहे हैं लेकिन एंजॉय भी कर रहे हैं, बताइए। देखिए जैती, जिस तरीके से अगर पर्यटकों की बात करें, पर्यटक तो देशी भी आए हैं और विदेशी भी आए हैं, और बात कोविड के आहट की करें तो मुझे किसी प्रकार का यह प्रिकॉशन लग नहीं रहा। कोई इक्का दुक्का लोग जरूर होंगे जिन्होंने मास्क लगा रखे हैं, बाकी तो उन्होंने कोई मास्क नहीं लगा रहा, जब बात करने की कोशिश भी करते हैं। यू आर इन जोधपुर, सो यू एंजॉयड और नॉट? एंजॉयिंग इट वेरी मच, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड द पीपल आर वेरी फ्रेंडली एंड वार्म, इट्स बीन वेरी नाइस। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द फूड ऑफ जोधपुर? To see about the food. The food. I've heard you have a very good local curry made with mutton. Maybe you know a good restaurant I can try. देख सकते हैं कि जिस तरीके से जैसी यहाँ जो लोग हैं, देखिए अगर व्यवसाय की बात करें तो देखिए आसपास सभी मन सिंह तस्वीर दिखा रहे हैं, जितने रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, है ना, जिस तरीके से राजस्थानी लोग कलाकार हैं और यहाँ जिस तरीके से गाइड हैं, उन सबको व्यवसाय मिला है और ये लंबे समय बाद में इस तरह का बूम देखने को मिला है। निश्चित रूप से 31 दिसंबर जो और जनवरी का जो पहला सप्ताह है, लगता है इसी से लबरेज। देखिए फोटो सेल्फी का देखिए आनंद यहाँ पे ले रहे, तुलसी का जो झालरा है, बावड़ी है, आप ये तस्वीर देखिए, ये करोड़ों दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, ये खूबसूरती हिंदुस्तान की है, ये खूबसूरती जोधपुर की है। बुजुर्ग हो, बच्चे हो, नई नवेली दुल्हन हो, अब देखिए कि सेल्फी का क्रेज है, फोटो
महिलाओं का जो क्रेज है, और देखिए राजस्थानी दुपट्टा जिस तरीके से महिलाओं ने धारण किया, समझा जा सकता है कि यहाँ का जो पर्यटन है वो खूबसूरती के साथ तो इतना ज्यादा रिच है इंडिया का, खासतौर पर राजस्थान का, कि हर कोई चाहता है कि उस रंग बिरंगा हुआ नजर आए। फिर से लौटेंगे, और राजीव आपकी तस्वीरों के जरिए ये भी समझ में आ गया कि जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इमारतें वहां पर इस रंग बिरंगी हुई है। दर्शक जो देख रहे होंगे वो समझ भी पा रहे होंगे। एक बार तृप्ति का रुक करते हैं। तृप्ति, जब बात आपसे की, अभी आप जीटी पर मौजूद हैं और वहां पर आज की अगर खास तौर पर क्रिसमस डे की बात की जाए तो पूरी तरह से बच्चों का दिन है, बच्चों की उम्मीदों का, बच्चों की ड्रीम्स का, सेलिब्रेशन का, बच्चे वहां पर होंगे। एक बार दर्शकों को रूबरू करवाइए उन तस्वीरों के साथ जब बच्चे वहां पर सेल्फीज क्लिक करवा रहे हैं, पेरेंट्स लेकर पहुंच रहे हैं तस्वीरों के लिए, अलग अलग फ्रेम्स वहां पर है, कार्टून कैरेक्टर्स वहां पर होते हैं हर बार, इस बार भी है वैसी तस्वीरें वहां पर। ज्योति, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये बात आप कर रही थी कि यहाँ पर परेड होती है, कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, और कह सकते हैं बहुत सारे हॉलीवुड कैरेक्टर्स भी यहाँ पर नज़र आते थे, लेकिन कोविड के बाद से ये परेड का जो सिलसिला है वो थोड़ा सा थम गया है, और यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो खुद उस परेड को मिस कर रहे हैं, उस सीन को मिस कर रहे हैं जो उनकी आँखों में कैद हुआ था, जो उनके फ़ोन में उन्होंने कैद किया था कुछ सालों भी नहीं कह सकते, एक दो साल पहले की बात है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकती हैं, कितनी खुशनुमा तस्वीरें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगी जयती, कि अभी जो यहाँ पर लोगों का आंकड़ा है ये दोगुना होने वाला है एक घंटे बाद, क्योंकि जब जीटी की जो यहाँ पर लाइटनिंग की गई है वो बेहद खूबसूरत हो जाएगी एक डेढ़ घंटे बाद, जब पूरी की पूरी लाइट्स यहाँ पर ऑन होंगे, और उस लाइटनिंग को देखने के लिए और उस रौनक को देखने के लिए छोटी काशी के हर कोने से इंसान यहाँ पर पहुँचेगा, और देश दुनिया से जो भी पर्यटक यहाँ पर आए हैं, जो भी सैलानी यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ ज़रूर आएंगे, क्योंकि WTP यहाँ पर है। WTP पर भी लाइटनिंग बहुत ही खूबसूरत की गई है, क्रिसमस ट्री वहाँ पर भी बनाया गया है, और यहाँ पर जितनी भी लोकेशंस है वहाँ पर सैलानी ज़रूर आते हैं, क्योंकि चाहे आप यहाँ के खाने की बात कर लीजिए या यहाँ पर शॉपिंग की बात कर लीजिए, दोनों चीज़ों को लेकर ये बहुत फेमस जगह है। इसके अलावा यहाँ पर लोग बहुत सारे मौजूद हैं जिनसे अगर हम बात करने का प्रयास करें तो उनका कहना है कि इस बार जो क्रिसमस है वो बहुत ही उम्मीदों वाला है। उम्मीदों वाला ऐसे भी कि न्यू ईयर आने वाला है, आपने सही कहा था, पुराने को छोड़कर नए साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, कितनी कुछ उम्मीदों के साथ में हम करेंगे। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत अगर हम करने का प्रयास करें तो देखते हैं कि इस बार का क्रिसमस जो है वो कैसा कुछ रहने वाला है। मैरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसा लग रहा है इस बार का क्रिसमस, यहाँ की डेकोरेशन कैसी लगी? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पिछले साल से कुछ नया है, कुछ अलग है? पिछले साल मैं आ नहीं पाई, तो आई एम ओके। कहाँ से आप? मैं सी स्कीम से हूँ, जयपुर। तो हर बार आती हैं ऐसा? हर बार नहीं आती इस बार। चलिए, अगर आपसे जाना चाहे तो इस बार जयपुर की अलग अलग लोकेशंस पे बहुत सारे क्रिसमस ट्री सजाएं, कितने कुछ आपने देखे? मैंने 2-4 देखे हैं, बहुत अच्छे। कहाँ सबसे अच्छा, सबसे सुंदर कौन सा लगा? अच्छा जीटी का ही लगता है, मेरी वर्षा जीटी का अच्छा लगता ही लगता है। जीटी का अच्छा लगता है। आंटी, मेरी क्रिसमस, कैसा लग रहा है इस बार का क्रिसमस? लग रहा है अच्छा लग रहा है। एमपी के इंदौर शहर से आए। एमपी से आए? हाँ, इंदौर शहर से। शादी में तो शादी और उनका चलो माल घुमा के रहते। ये शादी में एमपी से आए थे, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि यहाँ का क्रिसमस आपको दिखाते हैं। तो बिल्कुल तृप्ति, तस्वीरें बहुत खास, क्योंकि एक और हमने देखा यंगस्टर्स को, यूथ को सेलिब्रेट करते हुए, तो फिर जो बुजुर्ग हैं, जो उम्रदराज हैं, उनमें भी इस खुशनुमा माहौल को लेकर के बहुत खुशी है, वो भी इक्वली उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत अच्छी तस्वीरें आपने दिखाई तृप्ति, और आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए, क्योंकि पावनों से सराबोर इस बार राजस्थान नजर आ रहा है। धन्यवाद आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।